Yes, Mr. Harish, how are you? क्या सर? क्या चल रहा है? सर, we have created a Facebook group. हाँ, उसमें there is a private group and there is a feature wherein it will be visible or invisible. So we have made it invisible and I posted to the core group also. Facebook group can have 1 million members at least. हाँ, there is no limit for members. उसमें and advanced, उसमें जो है ना फेस को क्यों ऑफ किया है? फेसबुक में आप बोल रहे हैं ना कि फेस को जो है ना उसमें फेस नहीं रहेगा, फोटो नहीं रहेगा, समथिंग लाइक दैट. नो नो, उसमें दिस फेसबुक ग्रुप इट इज अवेलेबल ओनली फॉर मेंबर्स ऑफ सीएफबी. मतलब दिस इट विल नॉट बी अवेलेबल इन सर्च. लिंक जो व्हाट्सएप में भेजा है उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो दे कैन ज्वाइन द ग्रुप एंड दे कैन पोस्ट ऑल देयर अचीवमेंट्स. हम लोगों ने डिस्कस किया था ना पहले, तो दे कैन पोस्ट ऑल देयर अचीवमेंट्स, इंडिविजुअल अचीवमेंट्स इन बिजनेस, प्रोफेशन, विच एवर फील्ड दे आर वर्किंग इन, वेदर दे आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, पॉलिसिंग. वो मैंने देखा, दैट इज वेरी गुड आइडिया. आई अप्रिशिएट दैट. वन इज व्हाट्सएप, अनदर इज फेसबुक. सो फेसबुक में अक्रॉस द कंट्री मेनी पीपल अंटिल डाउन अंटिल विलेजेस आर देयर. सो 1% to 1% दे विल कम एंड जॉइन फेसबुक वन सिंगल ग्रुप. एंड इन व्हाट्सएप ग्रुप्स वी कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 250 पीपल वेयर इन कोर ग्रुप. From core group, it will go to state level, and state level it will go to district level, and district level it will go to village level. So we should have WhatsApp group also as well as Facebook group also. Facebook group, technical related, will not post anything general, like all, whether it is agriculture, spiritual, whether it is healthcare. No, we will be posting everything, even technological also, because we want ki koi dusra copy karna chahe to kar le. Because okay. If that happens, so we are helping to create ecosystem. Okay. So there is absolutely no issue on that, and हम उसमें कोई proprietary भी claim नहीं करना चाहते. I am having a better model to immediately work on. हम ये चाह रहे हैं कि कल हम एक Zoom meeting करेंगे. 11 बजे आपको suit करेगा? Tomorrow, sir. कल? Yeah. कल 11 बजे. या अपन आफ्टरनून में भी रख सकते हैं. ओके, तो बताओ कब रखना चाहते हो. कि दिस मीटिंग इज मेंट फॉर द टेक्निकल ग्रुप, राइट? और जो भी उसमें ये अपने कोऑर्डिनेटर हैं वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि जो हमारे सीनियर मेंबर हैं जिनको अपन ने पोस्ट भी देके रखी है वो टोटली इनएक्टिव हैं एंड दे आर पार्ट ऑफ अस जस्ट फॉर देयर ओन सेक. मेरे ख्याल से उनका कोई बहुत सीरियस मुझे इंटेंशन कंट्रीब्यूट करने का दिख नहीं रहा है. तो हमने इसके बारे में ये सोचा है कि कल हम जो है इसको जाएंगे और इट विल बी देन अपलोडेड ऑन यूट्यूब आल्सो, जिसमें हम, क्योंकि ये मॉडल इतना पावरफुल है, बेसिकली हम पहले जो है एफआईआर की सर्टेनिटी लाएंगे, फिर डिटेक्शन की सर्टेनिटी लाएंगे, फिर कन्विक्शन की सर्टेनिटी लाएंगे, एंड इसमें जो है वकीलों और उन सबको जोड़ के, वॉलंटियर्स को जोड़ के वी विल डू जो कि ऑलमोस्ट अनथिंकेबल है, जिसमें कि हम जो है चार तरीके से हम इवन राज्य शासन को मजबूर करेंगे कि दे शुड फॉल इन लाइन एज पर द लॉ ऑफ द लैंड. अभी जो है हमने सरकार को बहुत स्वच्छंद बना दिया है, तो पब्लिक भी स्वच्छंद है और सरकार भी स्वच्छंद है. तो सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव यू द पुलिसिंग. और यदि यदि थाने में केस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं तो देन इट विल बी ए फेलोअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एंड द स्टेट गवर्नमेंट मे बी डिसमिस्ड अंडर आर्टिकल 356. अब इसका हमें पूरा मसाला तैयार करना पड़ेगा. सो हमारी जो है ये विंग, और हम जो है इसको, चूंकि इसमें रेवेन्यू स्ट्रीम रहेगा तो हम इन बच्चों के सहारे कुछ नहीं कर पाएंगे. सो बेसिकली वी वॉन्ट टू इन्वाइट द टेक्नोलॉजी पार्टनर, those who will be getting revenue, right? और इसमें जो है जो who want to avail our services, he can become the member of the crime free Bharat and he has to pay a token fees. जो
फॉर अवेलिंग दी सर्विसेज राइट, बिकॉज हम इनको फ्री में जो है सर्विसेज जो नहीं लेंगे लोगों से, हम अपने वॉलंटियर्स को और अपने वकीलों को एक रेवेन्यू स्ट्रीम देंगे, अपने फॉरेंसिक साइंस को रेवेन्यू स्ट्रीम देंगे राइट. तो क्योंकि यदि आप फ्री में कोई काम कराते हैं तो फिर वो रेसिडुअल एनर्जी आती है, रेसिडुअल एनर्जी पे हम काम नहीं करना चाहते. इज इट मेकिंग सेंस टू यू? तो हम जो है टेक्नोलॉजी पार्टनर जो है, कई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं. अब हम बच्चों को तो ट्रेनिंग व्रेनिंग देते रहेंगे जस्ट फॉर एंगेजिंग देम, बट हम ये काम टेक्नोलॉजी पार्टनर के थ्रू कराएं राइट. और हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर उन जो है ना स्टार्टअप को, उन कंपनियों को खोजे. मुझे गूगल से भी कोई परहेज नहीं है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट से कोई परहेज नहीं है राइट, बिकॉज द रेवेन्यू इतना ज्यादा होगा. अभी देखिए आपकी FIR दर्ज नहीं होती है, आप गली गली भटकते हैं, फिर लीगल प्रोविजन का जो है ना वो देखिए, वी विल नॉट ओनली इंश्योर दैट की उसकी FIR हो, बल्कि देन वी विल यूज द सेम मैकेनिज्म फॉर द इन्वेस्टिगेटिव पर्पज ऑल्सो. और पुलिस के द्वारा किया गया इन्वेस्टिगेशन लीगली सबसे कमजोर फुटिंग पे होता है. ये अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है, उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करना तो पुलिस का काम है. बट मिस्टर हरीश, यू विल बी सरप्राइज दैट एनीथिंग रिकॉर्डेड बाय द पुलिस कैन ओनली बी यूज फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन, नॉट फॉर करोबोरेशन. इसका मतलब है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन इज हैविंग जीरो वैल्यू राइट. तो हम अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से, भाई वी कैन नॉट डू द सेम इन्वेस्टिगेशन विच पुलिस इज डूइंग, एंड हम उसको जो है ना पुलिस को भी अवेलेबल कराएंगे और कोर्ट को भी अवेलेबल कराएंगे. तो बहुत जल्दी हम जो है वी विल बी इन पोजिशन टू टेक इट एट एब्सोल्युटली डिफरेंट पेस. और नोबडी विल माइंड इवन पेइंग द 500 रुपीज और समथिंग. और जो 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 इनकम टैक्स पेयर है उसके लिए अपन हायर स्लैब रख सकते हैं और बाकी लिए कम रख सकते हैं. एंड ईच वन हु विल बी कंट्रीब्यूटिंग अबाउट इट, ही विल बी गेटिंग द रेवेन्यू स्ट्रीम. एंड इवन द टेक्निकल जो है ना कंपनी, दोज हु विल बी वर्किंग विद अस राइट, उनके लिए एक अपना लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह बनाएंगे, दे विल बी गेटिंग रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर ईच ट्रांजेक्शन हैपनिंग. सो दैट सम टोटल सम वैल्यू ऑफ दैट ट्रांजेक्शन मे बी 300 crore और समथिंग लाइक दैट. तो इट इज ए बिग मनी. यदि 300 crore किसी कंपनियों को मिलेगा तो वो तो आपको जो ना आपके पीछे लाइन लगा के आएंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड सी टू इट कि सरकारें करेंगी यदि वो केस रजिस्टर नहीं करेंगी. ये इस देश को हमने जो है ना किस चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है कि देश के मंत्री को उसका हत्या करने का जो है धमकी देता है सेना का चीफ और क्या नाम उसका अरुण पाठक. अरे भाई ये अपराध है. और पुलिस को बिना सूचना दिए ही, बिना रिपोर्ट किए भी स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है, वो काय के लिए है? यदि कोई पब्लिकली किसी को मारने की धमकी दे रहा है तो उस पर थानेदार ने केस रजिस्टर क्यों नहीं किया? वट अबाउट द सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल पुलिस ऑफिसर? वट अबाउट जो है 154 से, 1 से 2, 3 से और 156(3) और 482 और PIL एंड आपका कॉन्टेंट पिटीशन, इन सबको यदि हम पीछे से अपने टेक्निकल इंजन के थ्रू करेंगे तो हम बहुत कम एफर्ट्स में विथ लीस्ट पेपर वर्क वी वुड बी इन पोजिशन टू डू मिराकल. और ये और जब उसका बैकएंड पे कंपाइलेशन होगा, जब आपका विधानसभा में क्वेश्चन उठाया जाएगा कि SSP ने 1000 शिकायतें, 1000 जो है ना केस रजिस्टर नहीं किए हैं, आप अपने SSP के विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे? कितनी मोटी खाल होगी? कब तक मोटी खाल होगी? कब तक मोटी खाल करेंगे? अभी आप आदमी इसलिए परेशान होता है क्योंकि वो अकेला भटकता है. जब एक संस्था उसके पीछे खड़ी होगी ना तो इन सबको पसीना आ जाएगा. कल जब हम कहेंगे कि 80% केसेस में शिकायत जो है ना केस रजिस्टर नहीं हुए हैं, दैट रूल ऑफ लॉ हैज नॉट बीन सेट इनटू द मोशन, इट इज ए फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, द गवर्नमेंट मस्ट बी डिसमिस्ड अंडर आर्टिकल 356 और हम ये बना के गवर्नर को भेज देंगे राइट. और उन सरकारों के खिलाफ भेजेंगे जो कि पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट है, तो वो मसाला जो है ना गवर्नर को बहुत पसंद आएगा. यदि हम एक सरकार को भी गिराने में सफल हो गए तो अपना काम बन गया. हमें उस लेवल तक पहुंचना है जब सरकार अपने आप को छोटी महसूस करने लगे. अभी जो है ना ये देह बिकम लॉ अन टू देम.
वो ही कानून हो गए, उनके कहने पे FIR दर्ज हो रही, उनके कहने पे सब कुछ हो रहा है, और ये पुलिस जो है ना चंगू मंगू सब उनके गुलाम हो गए। क्या कहना है आपका? तो कल 11 बजे जो है अपने कोऑर्डिनेटर से उनको लाओ, और उनका काम ये रहेगा कि उन स्टार्टअप को खोजो, वी विल हैव दैट नेगोशिएशन विद देम कि क्या मॉडल हो सकता है, वी शुड बी ब्रिंग दैट गुड रेवेन्यू टू देम, बट नथिंग विल बी पेड, दे विल बी गेटिंग द शेयर इन द रेवेन्यू स्ट्रीम, राइट? और जब तक वो जो है ना सपोर्ट करेंगे, सब करेंगे, तब तक उनको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और दे हैव टू जो है मॉडिफाई द सिस्टम एज पर द माई विजन, राइट? तो कंसिस्टेंटली सिस्टम इंप्रूव होगा। आप बात समझ रहे हो ना? हाँ सर, क्योंकि ये सरकारों के पीछे हम घूमते रहेंगे, वो सरकारों की नीयत तो अच्छी है नहीं, सरकार में तो चोर बैठे हुए हैं लोग, और जो है जो कोर जगहों पे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी सब चोर हैं, तो सब जो है ना पैसे बना रहे हैं, चाहे वो हो और स्विस बैंक में जमा हो रहा है, वो तो पैसा वापस आना नहीं है। आई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? तो हम इस सिस्टम बाहर से क्यों ना ले, हम जो है टेक्नोलॉजी पार्टनर क्यों ना खोजें? यदि किसी किसी जो है ना फर्म को 300 करोड़ का जो है ना फायदा होगा तो वो आपके पीछे लाइन नहीं लगाएगी? यस और नो? हाँ सर, नहीं, आप मेरे सीधी सी बात बताओ, यदि 300 करोड़ किसी फर्म को मिल जाएंगे तो वो आपके पीछे लाइन नहीं लगेगी? लाइन में नहीं लगेगा? तो जरूर लगेंगे। बस फिर अपन कर ले, फिर क्या दिक्कत है? हम मुफ्त की मुफ्त वाले काम क्यों करें? हम लेट्स ब्रिंग गए, जबकि रेवेन्यू स्ट्रीम बांटना भी है, और धीरे धीरे उसमें ढेर सारी और रेवेन्यू स्ट्रीम पैदा होंगी, उसी उसी के सहारे तो जो है ना वी विल बी इन पोजिशन टू टेक पर कैपिटा इनकम 3 टाइम्स। उसमें फिर एग्रीकल्चर जुड़ेगा, उसमें बाकी चीजें जुड़ेंगी, उसमें वो जुड़ेगा, वी विल मेक एवरीबडी वेरी रिच, इंक्लूडिंग फार्मर्स एंड एवरीबडी। तो मुझे लग रहा है कि कल हम चर्चा करें, जरा जल्दी से जो है ना सबकी कन्वीनियंस मुझे लेके बताइए, और अपने इन लोगों को भी बुला लेंगे, साहेब वगैरह को, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनका फोन ऑन भी नहीं उठ रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई रुचि नहीं रख रहे हैं, ये सब जुड़ने के अपने लालच के अपने लोग के लिए आ गए हैं ये लोग, इनका कोई मुझे सीरियस इंटेंशन दिख नहीं रहा है, राइट? क्या सोचते हैं आप? तो हम जो है स्टार्टअप को खोजें, और स्टार्टअप जिनको जो है रेवेन्यू के लिए जो हमारे साथ आना चाहता है वो आ जाए। मुझे लगता है कि हम कल 11 बजे रखें सेशन। 11 हाँ सर, बजे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो ठीक है, तो आल आह आल 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 जो टेक्निकल पर्सन है उन सबको मैसेज दे दो कि देयर विल बी ए सेशन विच मे बी ज्वाइंड, और हम उसके अभी अभी सेशन क्रिएट करते हैं। इट विल बी नाउ आई हैव टेकन द लीड, और इसको जो है क्रिएट करके फिर अपन इसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, देन इट विल बी सर्कुलेटेड टू द वाइड, फेसबुक वगैरह में सब जगह जाएगा, तो कंपनियों तक जब ये बात पहुंचेगी तो मेनी कंपनी वुड लाइक टू टेक दिस एडवांटेज। और हम पॉलिटिकल पार्टियों को भी अप्रोच कर रहे हैं कि दे शुड ज्वाइन अस, राइट? या तो मतलब जो जो क्राइम फ्री भारत के एजेंडा को पुश करना चाहती है, दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ द क्राइम फ्री भारत, इट्स नॉट अदर वे अराउंड। क्योंकि हमको लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा, हमें इन चोर नेताओं को उनके गेम में हराना पड़ेगा। ये 42% जो क्रिमिनल हैं और 29% के खिलाफ तो मर्डर और रेप जैसे हीनस ऑफेंस हैं, ये चोर बदमाश जो है नेता इस देश का भला नहीं होने देंगे, ये उन शक्तियों के विरुद्ध कभी कार्रवाई नहीं करेंगे जिन्होंने आपका इतिहास बदल दिया है, इतिहास इतिहास डॉट कर दिया है। क्या कहना है आपका? हाँ सर, नहीं, ये काम करेंगे उनका नहीं करेंगे। तो जो जो इंडिया को ब्रेक करना चाहते हैं, इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस हैं जो जिसकी इंटरनेशनल लिंक है, जो एनजीओ और बाकी माध्यम से पैसा भेज रहे हैं, उस लिंक को ये कभी जो है ना कैप्चर करेंगे क्या? इस देश के नेता जो डिमोनेटाइजेशन और जो की कार्रवाई की, उसमें जो है ना पैसा सीधा जो है ना लोगों के बैंक खाते में क्यों नहीं गया? जब जनधन योजना में हर किसी का ऑलरेडी खाता बन गया था, तो चाहे उसे 50 लाख जमा करना हो, चाहे 1 करोड़ जमा करना है, सीधे खाते में पहुंचे। ये सारी बड़ी बड़ी लंबी लाइनें क्यों लगवाई हैं? क्यों? क्योंकि इसके पीछे नीयत कुछ दूसरी थी, सोच कुछ दूसरी थी। शायद
उत्तर प्रदेश को जीतना एक बड़ा मकसद रहा हो। तो ये राजनेता जो कि बहुत छोटी सी सोच में आपको जो है ना धर्म और जाति और इन सब चीजों में बांट के सत्ता काबिल करना चाहते हैं, ये देश के लिए कभी कोई भला नहीं करेंगे। ये इस देश में जो है ना सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, इलेक्शन कमीशन के कहने के बाद, क्या ये कानून बना रहे हैं? ये चोर जो है राजनेता, ये चोर राजनेता जिसमें से 42% क्रिमिनल्स हैं, 29% के खिलाफ जो है ना हीनस ऑफेंसेस हैं, इनके विरुद्ध जो है ना कोई वो कानून बनाएंगे? कभी नहीं बनाएंगे। चाहे कोई भी पार्टी हो, वो सिर्फ जो है ना चोरों को और अपराधियों को और खराब और बदमाश लोगों को जो है वो बांटना चाहते हैं, वो टिकट देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपराधी जो है ना वो जीतने की जो है ना 3 गुना उसको क्षमता ज्यादा है। ये इनका चरित्र है। इस चरित्र का लोग जो है ना इस देश का भला करेंगे? समय आ गया है कि इन राजनेताओं को बदल दो। क्यों? क्योंकि इन्हें अच्छी व्यवस्था कबूल नहीं होगी। क्या हम देश में 540 अच्छे जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी हो, ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ के ला सकते हैं? अरे उनकी सूची बनाओ, वी विल गो, वी विल प्रे टू देम। हम उनके हाथ पैर चरण धोएंगे कि भैया आओ, आप देश का भला करेंगे। लेकिन ये देश जो है ना इन चोर नेताओं के हवाले नहीं होना चाहिए। और वो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, पार्टी वार्टी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये चोर लोग जो है अपने भले के लिए सब मिल जाएंगे और किसी दूसरे को जो है हटाने के लिए मिल जाएंगे, इससे कोई फायदा थोड़ी है। ये उसके उस एक पार्टी से हटाए हुए लोग दूसरे जल्दी से अपने उसमें शामिल कर लेते हैं। इनका ना कोई चरित्र है, ना कोई सोच है, ना नेशनलिज्म है। ये इस देश की विडंबना है कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो दूसरे राष्ट्र में मारा जाता है और उसकी पत्नी जो है ये अनुरोध करती है कि हमारे पति का जो है ना पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि हमें संदेह है देश के प्राइम मिनिस्टर का पोस्टमार्टम नहीं होता है। कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी शक्तियां हैं? वो क्यों जो है ना लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी की मांग के बावजूद भी क्यों जो है उनकी उनका जो है पोस्टमार्टम नहीं हुआ? वो कौन सी शक्तियां हैं जिन्होंने जो है स्वर्गीय श्री शास्त्री जी की पत्नी की एक इच्छा भी पूरी नहीं की कि उनके पति की संदिग्ध मौत हुई है और उनका प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर जो है ना उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए? इस देश में ये कानून का राज है। तो क्यों ना हम सब लोग मिलके इन चोरों को भगाएं? ये चोर ही राजनीति क्यों करेंगे? अच्छे लोग राजनीति क्यों नहीं कर सकते? राजनीति को व्यवसाय बना लिया है। एक राजनेता का लड़का ही जो है ना आगे जाके राजनेता बनता है, वो जो है ना अपने लड़के को कैसे आगे बढ़ाएंगे यही सब चाल चलते रहते हैं। अब बताइए, 2500 नाम लिए जा सकते हैं कि इन बड़े बड़े नेताओं ने अपने बच्चे को प्रमोट किया है, उनको जो है कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया है, जबकि उनके दूध के दांत नहीं टूटे हैं। मिस्टर हरीश, समय आ गया है कि सड़ी गड़ी व्यवस्था को बदला जाए और इसी जो है ना रणभूमि में लड़ा जाए। इन राजनेताओं को, इन साले क्रिमिनल्स को, इनको इन्हीं के गेम में हराया जाए। क्या सोचते हो आप? यदि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक जो है अपराध मुक्त भारत स्थापित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो खुद अपराधी हैं। अपराध मुक्त भारत का नाम समझे तो इनकी रूहें कांप जाती हैं। ये तो अच्छी और इफिशियंट पुलिस चाहते ही नहीं है, ये तो चाटुकार अधिकारियों को चाहते हैं। इस देश की विडंबना है कि एक आईपीएस अधिकारी, चाहे वो कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि वो 3 साल पहले उसने कुछ किया है, क्या कोई भी सुसाइड 3 साल पहले की घटना यदि कुछ हुआ भी है तो क्या उसके आधार पर जो है ना उसे आप जो है सुसाइड के लिए जिम्मेवार ठहरा सकते हैं? क्योंकि सुसाइड इज द इमीडिएट कॉज। यदि हमने कुछ ऐसा प्रोवोकेशन किया और वो व्यक्ति यदि आज ही जो है ना सुसाइड कर लेता है तो जो है ना मुझे जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। 3 साल पहले यदि अमिताभ ठाकुर ने कुछ किया भी है, मुझे नहीं मालूम मेरिट ऑफ द केस, कुछ किया भी है तो उसके लिए जो है वो जिम्मेवार नहीं हो सकता है।
इस देश की कितनी सड़ी व्यवस्था है कि एक आईपीएस ऑफिसर को उसके ही जो है ब्रदर ऑफिसर गलत अपराध पंजीबद्ध करके उसको बंद कर रहे हैं। अपराध पंजीबद्ध होने के पहले उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, मजाक बना रहा है। वो कह रहा है कि साहब मुझे एफआईआर की कॉपी दे दीजिए, हम जानना चाहते हैं। अरे भाई आपके कानून में कहा है कि उसकी एफआईआर की कॉपी भी मिलेगी, यदि वो कहेगा तो उसका वकील भी जो है ना वहां पे होगा, ही विल रिमेन प्रेजेंट ड्यूरिंग द अरेस्ट। ये कानूनी प्रावधान है, जनरल राज बना दिया है। यदि देश के जो है ना मैं एक आईपीएस ऑफिसर के साथ ऐसा हो रहा है और सब लोग मूक हैं, तो ये निश्चित तौर पर जो है ना दूसरे लोगों के साथ भी होगा। और जो ये आईपीएस ऑफिसर सोच रहे हैं कि मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, कल उनके साथ भी होगा। ये राजनेता एक दूसरे के खिलाफ यूज करेंगे। अभी तो ठीक है कि कुछ जो है प्रॉब्लम अमिताभ ठाकुर के साथ हो सकती है, उनका रिकॉर्ड खराब हो सकता है, लेकिन अमिताभ ठाकुर को 3 साल पहले की किसी घटना को आधार बनाते हुए सुसाइड के लिए जिम्मेवार किसी भी कानून के तहत नहीं किया सकता है। सुसाइड आदमी इमीडिएट प्रोवोकेशन पे करता है। 3 साल बाद जो है ना, 3 साल पहले किसी ने कुछ कहा होगा उससे, वो आज कोई सुसाइड करेगा? दैट इज नॉट टेनेबल एज पर द लॉ। तो इस देश में भर्राशाही चल रही है, इस देश में नॉन अकाउंटेबिलिटी चल रही है। हमें कहीं ना कहीं जो है इन देशद्रोही, आधे से ज्यादा अपराधी, इन क्रिमिनल से इस देश को मुक्ति दिलाना होगी, चाहे उसे देश की आजादी क्यों ना कहा जाए। और सही मायने में जो है अपराध मुक्त भारत तभी स्थापित होगा। तो लाओ जो है ना इन सबको जो है ना, क्योंकि अपन वो रोड मैप देख पा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का वो कर पा रहे हैं, तो इन बच्चों को जिनका कुछ वो नहीं है, इन बच्चों की बजाय हम सीधे फर्म्स को जो है ना उसे नेगोशिएट करके हम वो व्यवस्था क्यों कायम ना करें? क्या सोचते हैं? सही है सर। ठीक है, तो कल 11 बजे हम मिल रहे हैं सभी को। अभी हम लिंक आपको भेज रहे हैं, उन सबको भेज दीजिए। वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट एंड लेट्स अवर होल पार्टी शुड जो है ना हंट द स्टार्टअप एंड वी कैन होल्ड नेगोशिएशन विद देम टू बी टेक्नोलॉजिकल पार्टनर ऑफ क्राइम फ्री भारत। एंड दैट विल बी ड्रिवन ऑन द मीटिंग का मीटिंग किन लोगों के साथ होगा? मीटिंग तो अपन जितने भी टेक्निकल के लोग हैं उन सबको बुला लीजिए। अब जो आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अपन जो है अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं, बच्चे हैं जिनमें एनर्जी है, ये भूपेंद्र वगैरह जो जो जिनमें भी एनर्जी दिख रही है वो आ जाए, जो आ जाए वो अच्छा, जो ना आ जाए वो भी अच्छा। कोऑर्डिनेटर्स नॉर्मली विल बी अवेलेबल बाय 8 o'clock इन द नाइट। दिन में देर बी बिजी इन देयर वर्क, सो नॉर्मली 8 बजे आई एम नॉट अवेलेबल, आफ्टर 4 o'clock। So latest it could be done 3 o'clock. So let's have a meeting. जो आ जाए उसका भला, जो न आ जाए उसका भला। ठीक है, I'll send a message to अभी जो है ना मैं इसको जो है Zoom meeting अभी plan कर रहा हूँ। I will send it to you and we will hold a meeting. यदि ज्यादा से ज्यादा अपन कल 3 बजे रख सकते हैं। दोपहर को 3 बजे? हाँ। Okay. Right. Done. एंड जो हमारी बातचीत हुई इसको मैं अभी अपलोड करा रहा हूँ क्राइम फ्री भारत पर। दुनिया सोचे कि दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए कि मैथिली शरण गुप्त और क्राइम फ्री भारत क्या सोच रहा है। हम अपने दम पर इस देश को अपराध मुक्त भी करेंगे, उसकी पर कैपिटा इनकम को 3 गुना भी बढ़ाएंगे और GDP भी 5 गुना करेंगे, और वो भी बिना किसी सरकार के इन्वॉल्वमेंट के। ठीक है, राइट मिस्टर हरीश? ओके सर। Right, all the best.